एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छा, आप लोग सुबह सुबह जब सो के उठ रहे होंगे तो हल्का हल्का ठंडा लग रहा है ना। हाँ, मतलब हमारा क्या आ रहा है, दिवाली आ रहा है। दशहरा ख़त्म हो गया ना, अब क्या आ रहा है, दिवाली आ रहा है। ठंडी लग रही है और दिवाली भी आ रही है। आ रही है ना दिवाली। चलिए इसी बात पे आज हम दिवाली पे क्या करेंगे, पोयम गाएंगे, कविता गाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पोयम का बुक है राइम्स का, उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसमें आ जाइए पेज नंबर 27 पे। मतलब दिवाली आ रहा है, ठंडा लग रहा है हल्का हल्का सुबह में, और दिवाली भी हमारा आ रहा है, दशहरा भी ख़त्म हो चुका है ना। तो चलिए बुक निकालिए सभी लोग। इसके पहले आज मंगलवार है, हम लोग पढ़े थे, और आज पढ़ेंगे दिवाली, मतलब गाएंगे। पहले पढ़ लेते फिर गाते हैं। आई दिवाली आई दिवाली, पहले पढ़ लीजिए दिवाली। आज का जो हमारा कविता है वो क्या है, दिवाली। दिवाली में हम क्या करते हैं, दिए जलाते हैं, घरों की सफाई करते हैं, उसके बाद से लक्ष्मी पूजा करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, दिए जलाते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिए जल रहे हैं, और पूजा के बाद से हम लोग प्रसाद भी खाते हैं, पूजा के बाद से और प्रसाद खाते हैं। ठीक है, चलिए। और अच्छा, आप लोग एक काम और करिएगा, जब दिए जला लीजिएगा तो अपने दादा दादी, अपने से बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, सबका फिर टच करिएगा, पैर छुइएगा। ठीक है, फिर पटाखे नहीं जलाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें आँख में भी छटक के जा सकता है, हाथ भी जल सकता है, और मतलब जो हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषण हो सकता है, ख़राब हो सकता है पटाखों के धुओं से। वो उस बहुत गंदी, मतलब जब उसको जलाते होंगे तो अजीब सी स्मेल आती होगी, जो कि हमारे लिए प्लस और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है। तो हमें अपने आप को और अपने आसपास की सारी जगहों को क्या करना है, साफ़ सुथरा रखना है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है, और ताकि हम क्या रह सके, स्वस्थ रह सके। इसलिए हमसे प्रॉमिस करिए, आप सभी लोग क्या करेंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, दिया जलाएंगे, वो भी तेल और बत्ती का, सरसों के तेल का, बस। ठीक है, उसके बाद से क्यों, क्योंकि इसके पहले अभी आप लोग सुबह में पूरा दिन सफाई भी किए होंगे, देखे होंगे लोग, मम्मी लोग सफाई करते रहती हैं, तो फिर उसके बाद से शाम को जाके पटाखे जलाएंगे, इधर उधर सब गिरेगा, राख होगा, काला काला होगा, सब गंदा होगा, तो फिर फ़ायदा क्या सफाई किए हुए, और हमारा पर्यावरण प्रदूषित भी होता है। और आप लोग को एक बात और पता होगा, जब आप लोग पटाखे जलाते हैं ना, आप लोग नोटिस करिएगा, जहाँ पटाखे जलते होंगे अगर वहाँ पे आसपास कोई जानवर होगा, जैसे हमारी गाय माता ही होंगी, देखिएगा वो डर जाती होंगी, कूदते होंगे, जो उनके बछड़े हैं वो सब कूदते होंगे, इसलिए पटाखे मत जलाइएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हमारा कविता क्या है, दिवाली। क्या है, दिवाली। आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे, दीप जलाओ खुशी मनाओ, आई दिवाली रे, सबको बांटो खूब मिठाई, आई दिवाली रे, सबको बांटो खूब मिठाई, आई दिवाली रे। अब इसको गा के करो, चलो इसको गा के करते हैं दिवाली। आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे, दीप जलाओ खुशी मनाओ, आई दिवाली रे, सबको बांटो खूब मिठाई, आई दिवाली रे, सबको बांटो खूब मिठाई, आई दिवाली रे। देखिए इसमें ये नहीं कहा कि पटाखे जलाओ, यहाँ लिखा है दीप जलाओ। देखिए इस पोयम में भी लिखा है
कि दिवाली आई है, आई दिवाली मतलब दिवाली आ गई है, तो उसमें कह रहा है कि दीप जलाओ खुशी मनाओ। ये नहीं कह रहा है कि पटाखे जलाओ और खुशी मनाओ, इसमें कह रहा है दीप जलाओ, ये जो ये दीप जल रहा है, दिया जल रहा है, वो जलाओ और खुशी मनाओ, इंजॉय करो, आई दिवाली रे, सबको बांटो खूब मिठाई। प्रसाद सबको बांट के खाना चाहिए, अभी ने बताए हैं, सबके पैर हाथ टच फिर टच करिएगा और प्रसाद खा लीजिएगा, प्रसाद बांटिएगा, सबको बांटो खूब मिठाई आई दिवाली रे, ठीक है। लेकिन यहाँ कहीं ये नहीं कहा है कि इसमें पटाखे जलाओ, कहीं कहा है कि पटाखे जलाओ, नहीं, कह रहा है दीप जलाओ खुशी मनाओ सबको खूब खिलाओ मिठाई। ये कहा, ये नहीं कहा है कि पटाखे जलाओ सबको डराओ, ये नहीं कहा है। चलिए आगे दिया है इसके, अब पढ़ते हैं, आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे, दीप जलाओ खुशी मनाओ आई दिवाली रे, सबको बांटो खूब मिठाई आई दिवाली रे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसको लर्न करके मुझे स्कूल व्हाट्सएप पे वीडियो बना के भेजना है। ओके, बाय।